الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لكل امه اجل اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون صدق الله العظيم। अभी थोड़ी देर पहले ये खबर मिली कि हज़रत उस्ताज़ुल असातिज़ा व उस्ताज़ गिरामी हज़रत मौलाना शाहिद साहब कासमी नदवी दामत बरकातुहुल आलिया इस दारे फ़ानी से दारुल बका की तरफ कूच कर गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यूँ तो सबको दुनिया छोड़ कर जाना है और मौत का मज़ा चखना है, लेकिन बाज़ी मौतें ऐसी होती हैं जिनको सुनने के लिए दिल और दिमाग तैयार नहीं होते। उन्हीं मौतों में से एक मौत उस्ताज़ गिरामी हज़रत मौलाना शाहिद साहब कासमी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह की है। हज़रत मौलाना से तालबा का ताल्लुक ऐसा था जैसे कि एक बाप का ताल्लुक उनके बेटों से होता है या उसके बेटों से होता है। हमारा हाल और हमारा ताल्लुक तो हज़रत मौलाना से गैर मामूली था। मैं ज़िद करके मौलाना से सामान ले लिया करता था। जिस चीज़ की ज़िद करता मौलाना वो चीज़ हमें दे दिया करते थे। मौलाना एक नहायत ही खुश मिजाज सलीम उत्तबा और नहायत ही खुश अखलाक इंसान थे। इसकी गवाही तो हर एक तलबा छोटे से छोटा बड़े से बड़ा उनका शागिर्द इसकी गवाही देगा कि मौलाना के अखलाक नहायत ही करीमाना थे। हज़रत मौलाना सैकड़ों साल से हमारे मदरसे में मुख्तलिफ किताबों का दर्स देते रहे और साथ ही साथ मदरसा आयशा लिलबनात में हज़रत मौलाना ने मुख्तलिफ किताबों का दर्स दिया। बेशुमार बच्चियां आपके शागिर्दा हैं और बेशुमार तालिब इल्म आपके शागिर्द हैं। वो तमाम आज आपके रुख्सत हो जाने के बाद आपके लिए दुआ कर रहे हैं और आपके लिए इसाले सवाब कर रहे हैं। हम तमाम तलबा को जब ये ख़बर मिली कि हज़रत मौलाना दुनिया से रुख्सत हो गए तो हम लोगों का अजीब हाल हुआ और यकीन नहीं आ रहा था कि हज़रत मौलाना इतनी जल्दी दुनिया से चले गए। इतनी जल्दी मौलाना ने हम लोगों को अलविदा कह दिया। अब हम लोग हमेशा के लिए हज़रत मौलाना की शफ़क़तों से महरूम हो गए। ये हम लोगों की बड़ी महरूमी की बात है कि हम लोग हमेशा के लिए हज़रत मौलाना की शफ़क़त से महरूम हो गए। अल्लाह पाक हज़रत मौलाना को करवट चैन नसीब फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अदा फरमाए। मेरे बुज़ुर्गों, दुनिया में कोई रहने के लिए नहीं आया। दुनिया में अगर कोई शख्सियत ऐसी थी जिसको हमेशा बाकी रखा जाता तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत थी, लेकिन वो भी इस दुनिया से चले गए। अल्लाह ने उनको भी अपने पास बुला लिया तो गोया अल्लाह ने ऐलान कर दिया कि लोगों, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसको मौत से छुटकारा मिल जाए। मौत से किसी को छुटकारा नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि अल्लाह का आखिरी पैगंबर भी मौत का शिकार हुआ और इस दुनिया से दारुल बका की तरफ चला गया। सहाबा इकराम तड़प रहे थे मछलियों की तरह से, लेकिन अल्लाह का फ़ैसला अटल था। हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तजहीज़ व तकफ़ीन की गई और वो सदमा तमाम मुसलमानों के लिए ऐसा था कि उससे बड़ा सदमा सहाबा इकराम ने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। इसीलिए शायर कहता है कि जब भी तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, वइदा ज़करता मुसीबतन तस्लू बिहा, वइदा ज़करता मुसीबतन तस्लू बिहा फ़ज़कुर मुसाबक बिन नबी मुहम्मदी। जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुँचे, जब तुम्हें कोई सदमा पहुँचे तो तुम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुदाई को याद कर लिया करो। अल्लाह पाक हज़रत मौलाना की बाल बाल मग़फ़रत फरमाए और लवाहिकीन को अहले खाना को सब्र जमील की तौफीक अता फरमाए। इंशाअल्लाह लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद हम तमाम तलबा हज़रत मौलाना की कब्र पर जाएंगे, उसकी ज़ियारत करेंगे और वहाँ थोड़ी देर बैठ कर इंशाअल्लाह हज़रत मौलाना के लिए सारे सवाब करेंगे। व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।